रामू जी जी शादी मुबारक हो सका, मगर सरकार 2 घंटे पहले तारजिया के मैं शादी करके आ रहा हूँ। यही कोई बात हुई नूरपुर के जमींदार की शादी हो, आस पास वालों को न बुलावा न दावत न हवेली सजाने के मुहूर्त, बहरहाल जल्दी में मुझसे जो कुछ हो सका मैंने कर दिया। धूमधाम की तो फुर्सत ही नहीं। धूमधाम से शादी तो हर कोई करता है मुंशी जी, दिल वालों के फैसले चुपचाप भी हो जाया करते। सलमा कहने को तो ये इस घर के पुराने मुंशी हैं, लेकिन बुजुर्गों की तरह डांटने का हक भी रखते। 13,000 बचते। अब यहाँ इंतजार ही करेंगे या अंदर जाने की इजाजत भी देंगे? तशरीफ ले चलिए सरकार। मगर ठहरिए सरकार, दुल्हन हवेली के अंदर इस तरह नहीं जाएगी। तो कैसे जाएगी? आपकी गोद में बैठकर जाएगी। हैं? आज तक इस दहलीज के अंदर दुल्हन जब भी गई दुल्हा की गोद में गई। आपके आबा और इसको मर्दानगी की शान समझते। अच्छा मुंशी जी, अगर मर्दानगी की शान यही है तो हम ये हसीन बोझ जरूर। रोशन के आगे रख के शम्मा हम ये कहते हैं, उधर जाता है देखें या इधर परवाना आका। सलमा जी, क्या सोच रही है? सोच रही हूँ मैं क्या थी, एक तन्हा गरीब लड़की। आपने मुझे कैसे क्या बना दिया।
न हो प्यार कभी। आओ ऐसे मिले मिलके जुदा हो न कभी। ठहरा है समा जहाँ, गुमसुम है नजर खामोश ज़बान। मैं न रहा तुम न रहे दुनिया से कहो आवाज़ न दे। चीज होती है बीवी नहीं। आज से आपको क्या खाना है क्या पीना है क्या करना है ये सब कुछ मेरे जिम्मे है। समझ रहे थे कि यहाँ प्यार और मोहब्बत का राज होगा। आपने तो आते ही मार्शल्ला लगा दिया। लाइए नाश्ता। जी नहीं, उठिए पहले गुस्सा फिर कपड़े बदलिए और फिर नाश्ता। ना, 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 नाश्ता पहले दे। नहीं उठिए फौरन जल्दी से फौरन फौरन। चलिए जल्दी जल्दी आप सरकार को वक्त के साथ साथ चलाना चाहती हैं बेगम, लेकिन सरकार वक्त के पीछे चलने के आदी है। ये तो है पहली खूबी। हाँ और दूसरी खूबी क्या है आपके सरकार में? घड़ी में तोला और घड़ी में माशा। अपनी मर्जी के मालिक हैं। सोने पर आ जाए तो तीन तीन दिन बिस्तर से नहीं निकलते। और अगर वायलिन बजाने का मूड हो तो सारी सारी रात वायलिन बजाते रहते हैं। तो यूं कहिए आपके बिखरे हुए सरकार को समेटना पड़ेगा। वर्जिश सुबह 6:15 बजे, गुस्ल 7 बजे, नाश्ता 7:30 बजे, जमींदारी का काम 9 बजे। जी ये क्या है किसके लिए? आपके लिए सरकार। बहू बेगम ने कहा है। बहू बेगम ने? वो इस घर में उस्तानी बनकर आई है या मैं स्कूल पढ़ता बच्चा हूँ जो मुझे लिखकर ये हिदायत दी जा रही है? उठाइए फेंक के बाहर। क्या कहा आपने सलमा? ये सब पता नहीं मुंशी जी मुझसे क्या क्या कह रहे हैं। आप जाइए आप मुंशी जी जाइए। अब बोलिए आप ये सब क्या है? आपके सर पे समझाने वाला कुछ था नहीं इसलिए आप नहीं जानते कि जिंदगी कैसे गुजारी जाती है। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि आप जागे 12 बजे, सुबह का नाश्ता 2 बजे, दोपहर का खाना 5 बजे और रात का खाना 11 बजे। देखिए अगर आप इस प्रोग्राम के मुताबिक चले ना तो ये बोर्ड हट जाएगा। ये सब कुछ हमसे नहीं होगा। तो आपको खुद के भर का साथ है। अब जो काम करेंगे साथ करेंगे। देखिए मुझे तो काम हो जाएगा। हो जाने दो। खूबसूरत है शायद हम दोनों से भी गया। ओ अब मैं समझ गया। फिर खराब हो जाएगा। अरे हो जाने तो बिस्तर तो खराब होने के लिए होते हैं ना। जाओ तुम क्या करने लगे आप? जाओ अब आ जाओ। ना कुछ तो शर्म कीजिए। अरे शर्म काहे की मुझे सुनने दो। सुन लिया है क्या होने वाला है? क्या क्या हुआ डॉक्टर? बेटा अरे बाप बेटा
माफ कीजिएगा डॉक्टर, जज्बातें अपने ऊपर काबू नहीं रखी। सही बात कहती। मैंने दोनों की जान बचाने की कोशिश की, बच्चा तो बच गया, लेकिन आपकी बीवी। डॉक्टर, बन जाना बिल्कुल उसी तरह सुबह की वर्जिश, फिर गुस्ल, फिर नाश्ता और फिर सारे काम जिस तरह मैंने तुम्हें बताया है। और सुनो मेरी बात, तुम अकेले बेटे को नहीं पाल सकोगे, दूसरी शादी कर लेना। नहीं सलमा, नहीं, मैंने जिंदगी में एक खुदा और एक प्यार के सामने पड़ चुका है। तुम वाहिद औरत हो जो मेरी जिंदगी में आई। नहीं, और तुम ही रहोगी। अब मैं तुम्हारी याद में आऊंगी, तुम्हारे ख्वाबों में आऊंगी। अलमा अली, मुझे अपने सीने से लगाओ, सीने से लगाओ अली। एक बार फिर वो गीत सुनाओ जिससे हमने अपनी जिंदगी का आगाज किया था।
हमारा नदीम जवान हो गया है और अब इस घर में बहू लाने के दिन आ गए। ये तुम्हारा काम था जो मुझे करना पड़ेगा, लेकिन एक बात सुन लो, बहू मैं अपनी पसंद की लाऊंगा। सरकार मुंशी जी, आपसे कितनी बार कहा है बीच में मत बोला कीजिए, देखते नहीं हम सलमा से बात कर रहे थे। गलती हो गई सरकार, माफ कीजिएगा। सुनिए, किसलिए आए थे? छोटे सरकार का खता है। सरकार गरीब का खता है जी? क्या लिखा है? इम्तिहान हुआ है, पैसे मंगवाए हैं, इस महीने उसे पैसे नहीं भेजे। किस उलझन में गिरफ्तार रहते हो मुंशी जी, क्यों पैसे नहीं भेजे उसे? पैसे तो भिजवा दिए थे सरकार। भिजवा दिए थे, फिर उससे पैसे क्यों मंगवाए? लिखा है वो जेब कट गई। जेब कट गई? अरे जेब कट गई तो हमसे पूछते क्यों आए हो? क्या अपने बेटे की जिम्मेदारियां पूरे करना हमारा फर्ज नहीं है? क्यों भेजो उसे? बहुत अच्छा सरकार। मुंशी जी। जी सरकार। ये एक कोर्ट में कितनी जेबें होती हैं? जेबें जी तकरीबन चार सरकार। फिर वो खबीस उसी जेब में पैसे क्यों रखता है जो कट जाती है? कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहा? नहीं सरकार, ऐसी तो कोई बात नहीं, वो आपका बेहद एहतराम करते हैं। हम भी तो उसे बेहद प्यार करते हैं मुंशी जी। वो हमारी सलमा की एक ही तो निशानी है मुंशी जी, इसकी आंखों का नूर, दिल का सुकून, बेहद प्यारी निशानी। उसे पैसे भेज दो मुंशी जी, वापस आएगा तो हम देखेंगे वो पैसे कहां लुटाता था। Come on, Black Beauty, come on, back up, come on. Come on, Black Beauty, come on, back up. Come on, come on, keep it up, baby, come on. रेस खेलने का पहला उसूल यह है, यहाँ अपना पैसा हारो, अपना हौसला नहीं। चीयर अप माय बॉय, चीयर अप। आज 400 रुपए हारे हैं, अगली रेस में 10,000 जीत ले। लेकिन अगली रेस खेलने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अरे जुग जुग जिए तुम्हारे अब्बा हुजूर, पैसे की क्या कमी। लेकिन अब क्या बहाना बनाऊं? पहले कॉलेज की फीस के नाम पर, फिर किताबों के लिए, दो बार कपड़ों के लिए, और उसके बाद चार दफा जेब कटने का बहाना बनाकर मैं पैसे मंगवा चुका हूँ। अब क्या कहूँगा? लिसन माई बॉय, दोस्ती के लिए मैंने तुम्हें तलाश किया, तुमने नहीं। और ये सर टोपी पहनने के लिए नहीं, बल्कि दोस्तों की प्रॉब्लम हल करने के लिए इस्तेमाल होता। एक तुम हो के हमें चीते की नजरों से देखते हो, अगर हम इंग्लैंड में होते तो दोस्त इस हीरे की पब्लिसिटी किया करते। पब्लिसिटी? पब्लिसिटी? आजकल पब्लिसिटी का धंधा एकदम बकवास हो गया है। काम लेने जाओ तो पूछते हैं कि छोकरी है, इन फिल्म वालों के पास जाओ तो कहते हैं कि नंगा काम करेगा नंगा। डर्टी पीपल, शरीफ आदमी का तो जीना हराम हो गया है। घघरी उठाओ। अरे, क्या? अरे ये घघरी नहीं बाबा, ये घघरी जैसे राधा उठाती थी। वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे बिल्कुल। स्माइल एग्जैक्टली, स्माइल प्लीज, हंसो हंसो। थैंक यू थैंक यू। ये मटकी रख दो, अब दुपट्टे से कोई नया पोस्ट बनाओ। बनाओ 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 बनाओ। देखो देखो ये शेड नहीं, इधर एग्जैक्टली। नवाब साहब के बेटे को हॉस्टल से पेइंग गेस्ट के बहाने में घर इसलिए लेकर आया था कि तुम उसे शादी पर रजामंद कर लोगी। मैं भी ये धंधा बंदा छोड़कर कोई रिस्पेक्टेबल बार बना दूंगा। क्या करूं अंकल, नदीम रात को 10 बजे अजनबियों की तरह घर आता है और सुबह 8 बजे चला जाता है।
मेरी तरफ तो आंख उठा के नहीं देखता। बेवकूफ लड़की, लोग आंख उठाकर देखा नहीं करते, उन्हें देखने पर मजबूर किया जाता है। अरे भाई जवान आदमी है, कोई 60 साल का बूढ़ा नहीं। कोई ऐसा चक्री वक्री दो, उसे अपने जाल में फंसाओ, तुम्हारी भी आपस समझ जाएगी और मेरी भी। अंकल अपने बस का ये रोग नहीं है। बस का रोग नहीं है, कोई बात नहीं, पब्लिसिटी का वो स्टंट चलाऊंगा कि याद करेगा। होने दो रात, फिर होगी बात बच्चू। तुम इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मुझे अंकल ने भेजा तुम्हें फंसाने के लिए। तुम इतनी रात के शराब भी कराई हो? हाँ। Get out. जी।
बेबी बेबी डोंट वरी, सुबह का इंतजार करो, जीत हमारा होगा। ये ताश के 52 पत्ते नहीं बच्चू, रात रोजी के साथ गुजारे हुए चंद लम्हे हैं, few seconds। रात आपने उसे शराब पिलाकर मेरे कमरे में भेज दी, अब ये तस्वीरें दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा मिस्टर डेविड। नेवर माइंड सन ऑफ क्लेवर माइंड, बच्चू मेरे पास नेगेटिव महफूज है। बच्चू इस वक्त तुम मुझे घाट आने वाली नजरों से देख रहे हो, लेकिन शादी के बाद मेरी भतीजी के नाते तुम मुझे अंकल कहने पर मजबूर हो जाओगे। अंकल मैं कहता हूँ इनकार ना करो, इनकार करोगे तो मैं ये तस्वीरें तुम्हारे गैरतमंद बाप को जाकर दिखाऊंगा और कहूंगा कि ये है वो तालीम जो तुम्हारा बेटा हासिल करता रहा है और ये है मेरी इज्जत जिसे वो उछालता रहा। लेकिन मैं ये धमकी बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो फिर पुलिस को इत्तला कर देते हैं कि एक गिद्ध तुम्हें अपने घोंसले में खींचना चाहता है। यार समझने की कोशिश करो, इस तरह बात अब्बा हुजूर तक पहुंच जाएगी और खानदान का नाम उछलेगा। जो झूठ सच बोलकर थोड़ा बहुत घर में इमेज बना रखा है ना, वो भी तबाह हो जाएगा। तो फिर कुछ पैसे दो, किराए के गुंडे लेते हैं और उनके दरवाजे पे हवाई फायर कराए देते हैं। डोंट बी स्टूपिड, ये फायर कराने की क्या जरूरत है? अगर वो बुढ़ा वो तस्वीरें लेकर अब्बा हुजूर के पास चला जाए ना, तो उसको मुंह की खानी पड़े, कोई ऐसी सोचे, फायर कराने की क्या जरूरत है? हियर लाइज द पॉइंट। ठीक हो गया, चलो चलें। कहाँ? किसी अच्छे होटल में चल के कॉफी पीते। तुमसे बड़ा सेल्फिश कैरेक्टर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मेरी जान पर बनी हुई और तुम कॉफी पीने की कह रहे हो? भाई मैं इंसान हूँ, कोई कंप्यूटर नहीं हूँ कि इधर कॉइन से डाले उधर जवाब निकलने लगा। बगैर खर्च किए हुए कुछ सोचने का भाई मौका तो दोगे? ठीक है तो तुम बैठकर सोचो, मैं क्लास अटेंड करके आता हूँ। कॉफी के पैसे देते जाओ, मैं सोचता हूँ। जल्दी करो भाई। हाँ ये 10 का ही ठीक है, मगर 10 रुपए कॉफी के लिए? बहुत दूर से लाएगा, यहाँ तक आते आते ठंडी हो जाएगी, कोल्ड कॉफी के ज्यादा चार्जेस होते हैं, तुम्हें तो पता है या नहीं पता? पता है। पता है ना? सोचना जरूर। सोचते हैं भाई सोचते हैं। लोया लोये को काटता है, जहर जहर को मारता है, शादी शादी को रोक सकती है। अरे किसकी शादी रोक रहे हो, किसकी शामत आई है? तुम समझते हो हम दोस्तों की शामत लाते हैं? अरे हम तो पैदा हुए हैं दोस्तों के काम आने के लिए। इतना जानता हूँ जिसके तुम काम आए वो क्या काम? डायरेक्ट हमारे खुलूस की तौहीन, हमारे ही सामने हमारी जात पर हमला। जाओ, तुम्हारी ये सजा है कि अब तुम जिंदगी भर हमारे दीदार को तरसोगे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। इतना चीप मजाक? अच्छा बैठो, कोई चाय वाय? पूछ कर भेजोगे, देख नहीं रहे हो कितना जरूरी काम कर रहे हैं? अच्छा यार बैठो, भिजवाता हूँ। और बालाई वाली भिजवाना, और जरा जल्दी भिजवाना, मेरे पास टाइम बहुत कम है। नाक जरा लंबी है, ये मर्द कहाँ आ गया औरतों में? भेंगी है बेचारी, करेक्टर की अच्छी नहीं है ये लड़की का। बन गया काम, काम की चीज है। लो बेटा, काम तो ऐसा पक्का कर दिया है कि जैसे ही ये लेटर तुम्हारे बाप के लेटर बॉक्स में जाएगा तुम्हारी मुश्किल आसान हो जाएगी। मुंशी जी, उस गुस्ताख की ये जुरत देते हुए कि हमारी रजा के बगैर शादी करे,
उनके दोस्त ने खत में लिखा है सरकार, लड़की यतीम और लावारिस थी। अनगिनत लड़कियां इस दुनिया में यतीम और लावारिस है मुंशी जी, लेकिन उन पर तरस खाने का यह अंदाज नहीं होता कि हमारा बेटा उन्हें शादी के बंधन में बांध दे। मामला दिल का मालूम होता है सरकार, और दिल वालों के फैसले चुपचाप हो जाते हैं। हमारे अल्फाज हमी को सुनाकर लाजवाब करना चाहते हो मुंशी जी? एक नजर इस तस्वीर को देख तो लीजिए सरकार, माशाल्लाह कितनी प्यारी लड़की। बहुत अच्छी लड़की, बहुत अच्छी तस्वीर है, लेकिन तस्वीर किसी इंसान के किरदार की आईना नहीं होती। ये लड़की कौन है, कैसी है, किस खानदान से है, हम अभी और इसी वक्त जाकर इस बात की तहकीक करें। लेकिन सरकार आप तो दिल के मरीज हैं, डॉक्टर ने आपको कम से कम एक हफ्ते के लिए सफर से मना कर रखा है। हम वहां जरूर जाएंगे मुंशी जी, एक लड़की अपने आप को हमारी बहू समझकर इतराती फिरे ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तहकीक की बात है, वो तो दो चार दिन के बाद ही हो जाएगी सरकार। मैं छोटे सरकार को लिख देता हूँ कि आप 18 तारीख को लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं। ठीक है सरकार, छोटे सरकार ने घर चलाने के लिए 2000 रुपए भी मंगवाए हैं, भिजवा दूं? अच्छा अच्छा नहीं भिजवाता सरकार। ये कहा मैंने, अपनी तरफ से तुमने क्यों समझ लिया, भिजवा दो उसे 2000। और सुनो, उसे लिख दो कि लड़की अगर हमारे मेयार पर पूरी उतरी तो उसे अपनी बहू तस्लीम कर लेंगे, नहीं तो उसे अपने खानदान का नाम लेने का भी हक नहीं देंगे। जमशेद, अबे जमशेद, निकलो बाहर, जल्दी करो। बहुत जल्दी है क्या? अबे वो जल्दी के बच्चे, आ पैसे आ गए। पैसे तो आ गए, तुमने अब हुजूर को क्या लिखा है? यही लिखा है कि तुम्हारी शादी हो गई है। ये तुमसे किस उल्लू के पट्टे ने कहा था कि लिखो? अरे भाई तुम खुद परेशान थे, अब वो बुढ़ा जब अब्बा हुजूर से मिलेगा तो खुद ही नाकाम होकर वापस लौट जाएगा। जब तुम्हारी एक शादी हो गई है तो दूसरी शादी तो होगी नहीं। और तुमने तस्वीर भी भेज दी उन्हें? हाँ भाई, सबूत के तौर पर निकाह नामा था नहीं तो मैंने तस्वीर भेज दी। बहुत अच्छा किया तस्वीर भेज दी। अब खुद ही भुगतना, अब्बा हुजूर आ रहे हैं। कब? 18 तारीख को। अच्छा, उससे पहले मैंने कभी उनसे ऐसा मजाक नहीं किया। अब उन्हें यहाँ आकर पता चलेगा कि सब कुछ फ्रॉड है तो उनके दिल पर क्या बीतेगी, वो पहले ही दिल के मरीज है। अरे भाई तो जज्बाती क्यों हो रहा है, कोई भी लंगड़ी लूली लड़की लाकर बिठा देंगे, वो उसे देखकर खुद ही रिजेक्ट कर देंगे, बाद में उसे 10-20 रुपए देकर रुखसत कर देंगे बगैर निकाह के। अबे उल्लू, लड़की वही होनी चाहिए जिसकी तुमने अब बाउजू को तस्वीर भेजी। वो तस्वीर किसकी थी? पता नहीं, वो अरमान फोटोग्राफर है ना, उसकी दीदार में पड़ी थी, मगर जो सबसे अच्छी तस्वीर थी वही भेजी है। बहुत अच्छा किया, जो सबसे अच्छी तस्वीर थी वही भेजी है। उस लड़की का तो पता चल जाएगा, मगर वो लड़की मेरी बीवी बनकर अब्बा हुजूर के सामने कैसे जाएगी? अरे भाई 18 तारीख में तो अभी बहुत देर है, तुम ऐसा करो उस लड़की से रस्म और राह पैदा करने की कोशिश करो, उस लड़की के दिल में घर करने की कोशिश करो, और उसे मजबूर करो कि वो तुम्हारे लिए 10-5 मिनट का नाटक खेले, उसके बाद हम खुद सोचेंगे। अब क्या खास सोचेंगे? घर में पराई लड़की की तस्वीर भेजकर तुमने मुझसे किस जन्म का बदला लिया? ये है, ये देख, ये है, अबे ये, ये ये ये, अब ये देख, ये देख, ये देख, यही है, exactly, ये तो प्रोफेसर जाकिर अली की बेटी। अच्छा तो फिर इसका पता क्या, कहाँ रहती? अब पता मालूम करके मेरा पर्चा करवाना है। अरे भाई तुम्हें बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बताओ ना आखिर रहती कहाँ है? तो मैं आप सारी रसीदें कहाँ से ढूंढता हूँ? तो ढूंढो ना यार, ढूंढो। अरे याद आया क्या, उन्होंने आज अखबार में एक इश्तहार दिया। किधर? उसमें उसका पता लिखा। चलो पता तो मिल गया, अब ये बताओ कि लड़की क्या करती है और उनके घर में कौन कौन है, ताकि पता चले किस किस के कदमों में टोपी रखनी पड़ेगी। इतना जानता हूँ, लड़की कॉलेज में पढ़ती है, उसकी माँ सौतेली है और बहुत नक्कड़ी। सिर्फ मेरा खाना पसंद नहीं है, वरना प्रोफेसर साहब ने तो आज तक हमारे खाने की कोई शिकायत नहीं की, और ती बिटिया भी तो इन्हीं हाथों का पका हुआ खाना खाती है। क्यों अंबर, तुम्हें ये खाना पसंद है? नो मम्मी। और आपको? मैं अंदर आ सकता हूँ?
मिसेस प्रोफेसर एंड मिस प्रोफेसर, आपका नया बावर्ची मिस्टर छोटू एमबीबीएस एंड एनएस, आपका इश्तहार अखबार में पड़ा और फौरन हाजिर हो गया। तुम बावर्ची हो या डॉक्टर, ये एमबीबीएस एंड एनएस का क्या मतलब? मैं आपको समझाता हूँ सर कि एमबीबीएस एंड एनएस का क्या मतलब है। एम से माहिर, बी से बावर्ची, दूसरे बी से बेहतरीन, एस से सबमिट और एनएस से नो शिकायत। माहिर बावर्ची बेहतरीन सर्विस एंड नो शिकायत। थैंक यू मैडम। यस मैडम, एट योर सर्विस। तुम खाना भी बनाना जानते हो या सिर्फ बातें बनाना जानते हो? आपके सवाल का जवाब ये रहा मैडम, मेरे जिंदगी के साथी चमचे, ये वो चमचे हैं जिनसे मैं अपने खानों की इजाद करता हूँ। जिस चमचे को एक बार गोश्त के सालन में इस्तेमाल कर लूँ उसे आलू के सालन में इस्तेमाल नहीं करता, जिसे आलू के सालन में इस्तेमाल कर लूँ उसे गोभी के सालन में इस्तेमाल नहीं करता, और जिसे गोभी के सालन में इस्तेमाल कर लूँ उसे करेलों के सालन में इस्तेमाल नहीं करता। और ये रहे मेरी जिंदगी के दूसरे साथी सर्टिफिकेट, ये रहा वो सर्टिफिकेट जिसे सोफिया लॉरेन ने अपने पहले बच्चे की पैदाइश के बाद मुझे दिया। ये रहा दूसरा सर्टिफिकेट मुस्लिम बॉक्सर मोहम्मद अली क्ले ने जायर के मुकाबले में लड़ने से पहले मेरा शामी कबाब खाने के बाद मुझे प्रेजेंट किया। और ये रहा तीसरा सर्टिफिकेट जो चाइनीज डेंटिस्ट ने मेरी दांत तोड़ डिश खाने के बाद मुझे दिया। और ये रहा वो चौथा सर्टिफिकेट। खाना क्या क्या पकाना चाहते? मैं क्या नहीं पका सकता हूँ सर, क्योंकि आपका काम जहनी है, लिहाजा आपके लिए सूप कॉफी एंड टोस्ट बेहतरीन रहेगा। एंड यू मिस, आपके लिए चिकन कटलेट, चॉकलेट पुडिंग और शाही टुकड़ा। और आपके लिए मैडम मकरानी खाने, ईरानी खाने, तुरानी खाने, जापानी खाने, कश्मीरी खाने और खाने ही खाने। ठीक है तनख्वाह क्या लोगे? वो पहले मैं आपको अपना काम दिखाऊंगा और उसके बाद जो पसंद आएगा वो ले जाऊंगा। क्या मतलब? मेरा मतलब है आप लोगों को जो सूट करेगा वही ले जाऊंगा। ठीक है काम शुरू करो। ओके मैडम, डिनर किस वक्त सर्व होगा? 8 बजे। ओके, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? वो ये कि बावर्ची खाने की तरफ जिस वक्त मैं पका रहा हूँ कोई नहीं आएगा। वो क्यों? वो इसलिए कि जिस वक्त मैं खाना पकाता हूँ अगर उस पर किसी की नजर पड़ जाए तो मेरे हाथ से बरकत और खानों से जायका कोसों दूर भाग जाता है। ठीक है हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। थैंक यू मैडम, बावर्ची खाने करा रहा हूँ। थैंक यू मम्मी। आदमी तो ठीक है लेकिन इसकी मुझे फिक्र न करें मिस, ये मुझे मालकों के पसंद के लिहाज से पा भी सकती है, घट भी सकती है, अगर आप चाहें तो साफ भी हो सकती है। आप तो आपको कोई शिकायत नहीं? नहीं कमाल का भरोपी हो भाई। ले आए खाना। टाइम नोट कर लो। बिल्कुल ठीक टाइम पर आए हो दोस्त। अपनी बावर्ची गिरी की लाश तुम्हारे हाथ में है यार, कहीं ऐसा ना हो कभी तुम धोखा दे जाओ। इंसान कभी धोखा नहीं देता, हमेशा हालात धोखा देते हैं। और सुनाओ लड़की तो स्टैंडर्ड की है? अरे मत पूछो, जबरदस्त चीज है। अब एक चीज का ख्याल रखना, अगर लड़की फंसानी ही है। क्या ऐसे बोलो यार कुछ? अगर लड़की फंसानी ही है तो उसकी प्लेट में बोटियां कम और उसके माँ बाप के टोस्ट पर मक्खन ज्यादा। मक्खन अपनी घड़ियां मिला लीजिए। पूरे 8 बजे नोट कीजिए। अगर आइंदा कोई 10 मिनट खाने की टेबल पे लेट हुआ तो उसे खाना नहीं मिलेगा। नहीं 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 नहीं, खाना मैं आप लोगों को अपने हाथों से खिलाऊंगा। चखिए और बताइए क्या है। मटर कीमा? जी नहीं, मुर्ग का भेजा और चने। मुर्ग का भी? जी हाँ, मुर्ग का भेजा और चने। अब आप बताइए सर। बताइए क्या है। चिकन? जी नहीं, पनीर का स्ट्यू। अब आपकी बारी, आप बताइए क्या है। कोफ्ता? जी नहीं, गोभी के शाही टुकड़े। गोभी के शाही टुकड़े? जी हाँ, गोभी के शाही टुकड़े। अगर आपको आपको और आपको पनीर के स्ट्यू में मुर्ग का मजा, मुर्ग भेजा और चने में मटर कीमे का जायका और गोभी के शाही टुकड़े कोफ्ते ना नजर आए तो फिर हमारे हाथ का क्या कमाल है। अब बताइए आपको नाश्ता कितने बजे? मुझसे पूछो। यस मैडम, सुबह 8 बजे हर एक के कमरे में। सुबह 8 बजे हर एक के कमरे में। ओके सर, मैं लव आपकी कॉफी सर। थैंक यू। ये आप क्या पढ़ रहे हैं सर? ये बहुत बड़ा अजीब उतरा है। उसका नाम क्या था सर? शेक्सपियर। शेक्सपियर? तो आप अभी तक शेक्सपियर को पढ़े? आपने टॉलस्टॉय, बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज फ्रॉस्ट, बल एस बक को नहीं पढ़ा सर? तुम मैं आपका नया बॉस हूं सर। लेकिन तुमने
इतने सारे लिखने वालों के नाम कहां से आते हैं? सर, आपने फैज अहमद फैज साहब का तो नाम सुना होगा, ये सब कुछ उन्हीं की सोबत का नतीजा है। मैंने चंद दिन उनके घर का भी खाना पकाया है। गुड बाय। गुड बाय। गुड मॉर्निंग बेगम साहबा, आपका नाश्ता ब्रेकफास्ट मेज पर रख दो। दवाई जी, क्या देख रहे हो? मैंने जिस जिस कोठी में काम किया और बेगमात के जमाने जो कुछ सुना बेगम साहबा, आज अपनी आंखों से देख रहा हूँ। क्या देख लिया, क्या सुना तुमने? अरे क्या नहीं सुना बेगम साहबा, आप नहीं जानती कि बड़े बड़े घरानों में आप किस कदर पॉपुलर हैं। जहाँ चार बेगमात जमा हुई बस यही बातें कि अल्लाह अल्लाह, फिगर है तो बेगम प्रोफेसर का, कपड़े पहनने का सलीका है तो बेगम प्रोफेसर को, राम चुनने का ढंग है तो बेगम प्रोफेसर को, फैशन तो आप पर खत्म है साहब, तारीफें सुन सुन कर तो मेरे कान पक गए थे। ये नौकरी तो सिर्फ एक बहाना था, मकसद तो सिर्फ आपको देखना था, और जितना सुना उसे कहीं ज्यादा पाया। और अब पता चला कि आप जो भी फैशन अपनाती हैं वही सोसाइटी का रिवाज बन जाता है, दस्तूर बन जाता है, रूह बन जाती है। होगा, कभी मैंने नोट नहीं किया। लिल्ला नोट किया करें बेगम साहबा, ये मत समझिएगा कि मैं आपको मस्का लगा रहा हूँ। मस्का तो मैं सिर्फ पकाने में इस्तेमाल करता हूँ, किसी को लगाने में इस्तेमाल नहीं करता। अगर आपका वजन थोड़ा सा कम हो जाए, कमर थोड़ी सी अंदर चली जाए, तो यकीन कीजिए आप सोफिया लॉरेंस, सोफिया लॉरेंस भी क्या चीज है, एलिजाबेथ टेलर लगेंगी। समझ में नहीं आता ये सब मैं कैसे कम करूं? कैसे, इन सब का जवाब है बेगम साहबा, ब्यूटी क्लिनिक। ब्यूटी क्लिनिक? जी हाँ, मुल्क लाखों रुपयों का दर मुबादला लगाकर ये क्लिनिक बने हैं आप जैसी सजीवी बेगमात के लिए है। हफ्ते में दो चार बार अब स्टीम बाथ, चार पांच मरतबा मसाज, सात आठ किस्म की हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस के बाद जब आप अपने बाल सेट करा के सड़क पे निकलेंगी तो यकीन कीजिए बगैर लाल बत्ती के चलती ट्रैफिक रुक जाएगी, थम जाएगी, जम जाएगी। बेगम साहबा, बेगम साहबा, ये तो खुद ही जम गई। बेगम साहब, बेगम साहबा, आपका नाश्ता। आप ये मुख्तसर सा नाश्ता कर लीजिए बेगम साहबा, और मेरे मशवरे पे गौर कीजिएगा, मैं छोटी बीबी की खबर लेता हूं। मिस प्रोफेसर, आपका दूध ओवरटीन के साथ। थैंक यू। क्या देख रहे हो? आपने फिल्म नया रोमियो और जूलियट देखी? क्यों? इसलिए कि आप कुछ कुछ उसकी हीरोइन जैसी लगती हैं। यकीन कीजिए अगर आप फिल्मों में काम करना शुरू कर दें तो फिल्म स्टार मुमताज की मार्केट डाउन हो सकती है। मुझे कोई शौक नहीं। समझ गया, आपको गाने का शौक है, गाने का। ये तुमने ठीक। तो फिर बताइए ये रिकॉर्ड किसका है? तेरा साया। जिसे नैयरा नूर ने गाया और अवार्ड पाया। तो फिर बताइए ये रिकॉर्ड किसका है? तेरे भीगे बदन की खुशबू। लहरें भी हुई दीवानी सी जिसे मेहदी हसन ने गाया फिल्म शराफत के लिए और फिल्म में नदीम ने गाया। आप मुझसे किसी भी गाने के बारे में पूछ सकती है, मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका मूसीकार कौन है, ये किस धुन में बना है, इसके पीछे कौन से साज बजे हैं, उसकी फिल्म का नाम क्या है, और जो जी चाहे पूछे। वेरी गुड। बावर्ची होकर गाने के बारे में इतना कुछ कहाँ से सीखा? मूसीकार रोबिन घोष की सोबत में मैं कुछ दिन उनका भी खाना पका चुका हूँ। दरअसल मैं वहाँ गाना गाने के लिए गया था लेकिन उन्होंने मुझे पकाने पर लगा दिया। आदमी दिलचस्प मालूम होते। आधा बस। मिस प्रोफेसर, एक बात बोलूं? बोलो। आपकी शादी तो नहीं हुई है ना? नहीं। होने वाली है। क्यों? वो इसलिए कि शादी आप उससे करें जिससे आपका मिजाज मिलता हो। देखिए ना, आपको तो है गाने का शौक, अगर आपके शौहर को हुआ बॉक्सिंग का शौक तो वो आपसे बॉक्सिंग करता रहेगा और आप उसे गाना सुनाने की नाकाम कोशिश करती रहेंगी तो दिल से दिल नहीं मिलेंगे और फिर खिलौना टूट जाएगा। यस मैडम, कमिंग। यस मैडम, आपने पुकारा मुझे। देखो लड़की जाएगी अपने कॉलेज और प्रोफेसर साहब अपने कॉलेज। हाँ, हम सब 12 बजे वापस आ जाएंगे। ये 20 रुपए सब्जी के लिए रख लो, ठीक 12:30 बजे खाना लग जाना चाहिए। ओके मैडम, देर आप लोगों की तरफ से होगी, मेरी तरफ से नहीं। वैसे आप कहाँ जा रही हैं? ब्यूटी क्लिनिक। ब्यूटी क्लिनिक? यस ब्यूटी क्लिनिक। ओह गॉड, व्हाट अ ब्यूटी। चलो अच्छा हुआ, इसको तो लगा दिया धंधे से।
इंक। जमशेद का बच्चा न जाने कहां रह गया, 12 बज चुके हैं। बाबरची बाबरची, उल्लू की पट्टी। यस 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 मैडम, यस। खाना तैयार है मैडम? आप बिल्कुल जल्द वापस लौटाएं। ज्यादा बातें मत बनाओ, खाना तैयार है। जी हाँ तैयार है। अल्लाह अल्लाह, चंद घंटों में इतना बड़ा इंकलाब, किसी से कहिएगा मत। आज आप बहुत स्लिम स्मार्ट और ब्यूटीफुल लग रही हैं। अच्छा बकवास मत करो, मैं आती हूँ 5 मिनट में, खाना लगाओ, मुझे सब भूख लगी है। मालूम होता है ब्यूटी क्लिनिक में आपका काफी पसीना निकला है। बकवास बंद करो, चलिए खाना लगाओ। ओके मैडम, ओके। बड़ी फूल तुम्हारी तो लव स्टोरी है, मगर मेरी बड़ी सैड स्टोरी है। क्यों, क्या हुआ? रास्ते में मांग पत्ता हो रहा था, रकम दुगनी करने के लिए मैंने रकम लगा दी और हार गया। हार गया? हाँ, उसके बाद मुझे तुम्हारी दुखी जिंदगी का ख्याल आया तो मैंने अपने सारे कपड़े दांव पर लगा दिए। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम्हारी वजह से मैं इन हालों को पहुंचा हूँ। अगर मैं बाकी कपड़े भी दांव पर लगा देता तो मेरी बेपर्दगी हो जाती। तो अब वो लोग खाना मांग रहे, मैं उन्हें क्या जवाब दूं, क्या खिलाऊंगा उन्हें मैं? का भी इंतजाम है? इंतजाम है क्या है? दोबारा पैसे दे दो, खाना भी ले आऊंगा और कपड़े भी ले आऊंगा। दोबारा पैसे दे? हाँ। पैसे मैं कितनी देर में आऊंगी? सिर्फ 15 मिनट का सवाल है। 15 मिनट आ जाना, 15 मिनट में। खुदा के लिए कहीं फिर मांग पत्ते में ना बैठ जाना। बस मैं फंस गया, एक तरफ मांग खाना एक तरफ मांग पत्ता, इतनी भूख में फंस गया मैं। ये बाबा जी। यस मैडम। क्या हुआ, अभी तक खाना क्यों नहीं लगा? बस मैडम 5-10 मिनट और दे दीजिए। खाना पका नहीं? जी खाना तो सब कुछ पक चुका है। मैं आपके लिए एक स्पेशल आइटम तैयार कर रहा हूँ, जब वो डिश मैं आपके सामने लाऊंगा तो उसकी सूंघती खुशबू से आपको नींद आने लगेगी। आप सारी पतीली खा जाएंगी लेकिन डकार तक नहीं लेंगी। वो इसलिए कि मैं रिंग मसाला। चिकन मसाला? बावर्ची खानदानी बावर्ची, आपने दुनिया के बड़े बड़े मसाले खाए होंगे लेकिन अब आपकी डिश में जो मैं मसाला मिलाकर आया हूँ वो है लैला की खुराक, या हबीबी अरेबियन मसाला। अरेबियन मसाला? बावर्ची! यस मैडम। खाना हाजिर है, चटपटेदार मसालेदार। क्या बात है, आज बहुत सुर में बोल रहे हैं। बस सर, बेसुरा होने से बाल बाल बच गया हूँ। तौबा तौबा, मुझे तो सख्त भूख लगी। नहीं तो मैं खाने को हाथ मत लगाओ। क्यों बेटम? बाबाजी ने ना जाने किसी भूल के गर्म मसाले डाल दिए, इसे इस उम्र में नहीं खाने चाहिए। हले? हाँ। ओह, को कौन है बाहर? ओके मैडम। लेकिन मम्मी मैं क्या खाऊं? बेटी मैं तुम्हारे लिए दूध डबल रोटी मंगवा देती हूँ। मैडम आपका टेलीग्राम यानी आपका तार। ओह अल्लाह खैर करे। बेगम, टोनी के तार में अंबर के लिए खास तौर पे ऐसे जज्बात का इजहार मुझे बुरा लगा। मुझे भी बुरा लगा है। तुम चुप रहो। आपको अच्छा उस वक्त लगता जब वो आपका भांजा होता, बुरा आपको इसलिए लगा है कि वो मेरा भांजा है। एक्सक्यूज़ मी मैडम, ये रिश्ते नातों का चक्कर तो कुछ मेरी समझ में आ गया है, लेकिन आखिर मुझे भी तो उनके लिए कोई खिचड़ी वगैरह बनानी है। आखिर वो कब आ रही है? सुबह मॉर्निंग फ्लाइट से। सुबह मॉर्निंग फ्लाइट? Thank you.
afternoon, Auntie. Mr. Tony is back from London. Oh, Auntie! Auntie, अभी तो गोली लगी भी नहीं और आप रोक कर गई. अल्लाह टोनी, तूने तो मेरी जान ही ले ली थी. मैडम, क्या वो आप ठीक तो हैं? ये धमाका कैसा था? कोई चीज फटी तो नहीं? बकवास मत करो. Oh, how are you? ये हमारा नया बावर्ची है. Oh, oh, you cook? यही तो मेरा भांजा टोनी है, इसी ने तो गोली चलाई थी. ये मेंटल केस है? Yes, what? आप पागल हैं? अरे नहीं, इसे तो गोली चलाने की बचपन से आदत है. अगर आपका निशाना ठीक है तो फिर आप कितनी बार जेल जा चुके हैं? Oh, never, never in my life. अरे ये कोई चोर उचक्का है जो जेल जाएगा? बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लाखों में खेलता है, लाखों में. हाँ अगर आपने स्मगलिंग करके मुल्क का नाम बदनाम नहीं किया है तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. छोटो, सॉरी मैडम, बात जबान से निकल गई, स्लिप हो गई. जाओ जाकर टोनी के लिए चाय लेकर आओ. ड्रिंक टी. अरे हाँ, ये तो पता, तू इतने दिन रहा कहाँ? हांगकांग, फिलिपाइन, जापान, टोक्यो, अफ्रीका, अबू धाबी. खैर छोड़ो, ये सब तो बेकार की बातें हैं. ये गर्दन क्या हिला रहा है? एम्बर को हमारे आने की खबर नहीं हुई? अरे क्यों नहीं हुई, वो और प्रोफेसर साहब कॉलेज गए हैं. तू चल के उसके कमरे में बैठ, वो आती होगी. हाय, हे, क्यों? आप मेरे कमरे में? तुम्हारे इंतजार में दो कप चाय पी चुका. यहाँ चाय पीने पे कोई पाबंदी नहीं, लेकिन आपको फिर भी अब्बू के कमरे में बैठना चाहिए था. बातें तुमसे करनी थी. मुझे आपने बातों में कब से समझ लिया? Well, Amber, इतने दिनों बाद आया हूँ, लेकिन तुम मुझे बड़ा कोल्ड रिसेप्शन दे रही हो. इस मुल्क में गर्म जोशी से माँ बाप मिलते हैं, यकीन. इसीलिए तो ये मुल्क तरक्की नहीं करता. तरक्की याफ्ता मुल्क छोड़ के आई थी? तुम्हारी कशिश ले आई है. Well, Amber, प्रैक्टिकली मैं सोच भी नहीं सकता था कि 16 साल लगते ही तुम इस कदर ब्यूटीफुल हो जाओगी. ये मस्ताना रूप, जिस्म की ये तराश, बदन की ये खुशबू. 16 साल तो वहां की लड़कियों को भी लगता होगा, वहां किसी ने मुंह नहीं लगाया. यहाँ मुंह लगाना एक मुहावरा है, लेकिन वहां मुंह से मुंह लगाना एक खुली हकीकत. वेल अंबर, यूरोप में सेक्स इस कदर कॉमन है कि लड़कियां बिफोर मैरिज कली से फूल बन जाती हैं, और मर्द शादी के लिए कली चाहता है, फूल नहीं. आपको कली की तलाश है तो जाइए किसी नर्सरी में. अंबर, मेरी कली तो तुम. एक्सक्यूज मी सर, योर थर्ड कप ऑफ कश्मीरी चाय. ओह यू, चमचा चीनी के साथ. आपकी बतून खराब हो गई. यू इडियट, तुम्हारा बात भी ठीक नहीं कर सकते. देखिए सर, मेरे बाप का नाम मत लीजिए, वरना मैं आपके सारे खानदान में घुस जाऊंगा और बात बहुत लंबी पहुंच जाएगी. लाइए मुझे बतून दीजिए, मैं भी ठीक. क्या कर रहे हो? आपकी बतून उतार. इसलिए कि आपने मेरे बाप का नाम लिया है, बात नहीं है आंटी. वो जरा सा पैंट खराब हो गया था. पैंट खराब हो गया था? Yes. ओ, बचपन का आदत का बात नहीं है आंटी, वो चाय गिर गया था पैंट पर. आपका कुछ धोने गया है. अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. ओ मैन, हमारा मदद करो. Oh no! Oh, not this time! Oh shoot! अरे रे, तुम क्या करो? अरे टोनी बेटे, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते पागल हो गई हूँ. आंटी, any good news? हाँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है. Please tell me, I am ready to hear. क्या बात है? मैं तुम्हारे एजाज में पार्टी देना चाहती हूँ. ऐसी क्या गरज आन पड़ी है आंटी? अरे गरज कैसी, तू मेरी मरहूम बहन की निशानी है ना. तेरी खुशी मैं नहीं देखूंगी तो और कौन देखेगा? Is it must? हाँ बेटे, बहुत जरूरी है. ओके 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 ओके. आंटी प्लीज, फ्रॉम माय साइड इसे कैश करा लीजिएगा. ये किस लिए बेटे? देखिए ना आंटी, मैं जानता हूँ आप मेरे लिए क्या क्या करना चाहती हैं, और ये भी जानता हूँ कि प्रोफेसर साहब की इनकम क्या है.
मैं चाहता हूँ आपकी कोई खुशी अधूरी नहीं रहनी चाहिए। बहुत शरीर हो गया है तू, अब तेरे पाँव में नहीं पड़ेगी। पाँवों में? हाँ। रंजीत? हाँ। पाँव हाजिर है? सुहा। रंजीत? हाँ। पाँव हाजिर है? सुहा। रंग में पिल आ गई। मैं अपनी और आप सब की तरफ से एम्बर से गाने की दरखास्त करूंगा। माफ कीजिए, मुझे गाना नहीं आता। गाना नहीं आता? नेवर माइंड, लेट्स डांस। मैं इसमें भी अनाड़ी। प्रोफेसर अंकल प्लीज आप ही कहिए ना। बेटे आज तुम्हारी शाम है, तो भी पूछ रहा मैं। हाँ हाँ बेटे सुना दो ना। ओके Oh, you, la 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 गाना क्या होता है? देखिए साहब, गाना दिल से निकलता है, जेब से नहीं। मैं हंसा सकता हूँ, रुला सकता हूँ, गा सकता हूँ, बजा सकता हूँ, अगर आप कहें तो आपके हाथों के तोते भी उड़ा सकता हूँ। वेल, हम भी देखते हैं तुम कितना पानी में है। कम ऑन। इजाजत है? गो। ओ यू टेक द चेंज। जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम। लगता है ऐसा खुदा की कसम, तुम मेरे हो। जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम। लगता है ऐसा खुदा की कसम, तुम मेरे हो। सावन है बरसा, खुल के कोई बात होती नहीं। कैसे बताएं ये तुमको सनम, तुम मेरे हो। शायर जो होता तो तेरे लिए कहता गजल में कोई प्यार की।
तस्वीर तो अपने लिए मूरत बनाता रुके यार की तस्वीर तेरी बनाता मैं सारे जहां को दिखाता मैं पर क्या करूं कि मुसव्विर नहीं है बदे नसीब के शायर नहीं कैसे बताएं कि तुमको सनम तुम मेरे हो तुम मेरे हो करवट बदलते हैं हम शम्मा की मानिंद जलते हैं हम तुम ही बताओ कि हम क्या करें चारों तरफ देखते हैं तुम्हें इसमें खता क्या हमारी है हर शय में सूरत तुम्हारी है कलियों में तुम हो बहारों में तुम इस दिल में तुम हो नजारों में तुम कैसे बताएं कि तुमको सनम तुम मेरे हो मैं मर जाऊंगी मगर ये शादी नहीं करूंगी अंबर कान खोल कर सुन ले पत्थर पे लिखी हुई तहरीर मिट सकती है मेरी जबान से निकले हुए अल्फाज वापस नहीं आ सकते शादी तुझे वही करनी होगी जहां मैं चाहती मैं उनके सामने जाकर फरियाद करूंगी अबू मैं जानता हूं तुम क्या कहने आई हो लेकिन मेरी सुनो बेटी जिंदगी में पहला घर उजड़े तो कुछ लोग मजबूर करते हैं कुछ खुद को एहसास होता है और दूसरी शादी का फैसला इंसान अपनी राहतों से ज्यादा औलाद के सुख की खातिर करता है लेकिन इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है तुम्हारी माँ के खिलाफ आवाज उठाऊं तो वो रिश्ता तोड़ने की धमकी देती है इसलिए वकार कायम रखने के लिए मैंने चुप साध दी है और बोलने का हक तुम्हारी माँ को दे दिया है ताकि घर की बात घर में रहे और लोग समझते रहें कि प्रोफेसर जाकिर अली इज्जतदार है शराफत का आलमबरदार है आंसू पी सकती हो तो इज्जत रह जाएगी हिम्मत साथ नहीं देती तो तुम्हारी माँ से कहता हूं मंगनी तोड़ दे दिल टूटने से बेहतर है कुछ रिश्ते टूट जाए
शर्मा कर ऊपर आई है, मेरी बात को ठुकरा कर नहीं। वो कल फिर आएगा, उसके साथ वही सुलूक करना जो मंगेतर मंगेतर के साथ किया करते हैं, समझी? प्रोफेसर, देखिए दूसरों के फड्डों में टांग अड़ाने का मुझे कोई हक तो नहीं है, लेकिन मैं कहे बगैर रह भी नहीं सकता। आपकी रात बहुत बेकरार गुजरी है। देखिए, इसे कोई पत्तेबाजी मत समझिए, मैं तजुर्बे की बात कर रहा हूँ, इसलिए कि चंद दिन मैंने एक साइकोलॉजिस्ट के यहाँ भी काम किया है। मुझे बताइए, मुझसे कहिए कि आपको क्या उलझन है, बताइए। कोई उलझन नहीं, खुदा हाफिज़। छोटू, कुछ याद आया आपको, कहिए, बताइए बताइए। तुम्हारी जुबान को तो चाबी लगी हुई है, कभी तो आराम से बात किया करो। क्या करूं मिस प्रोफेसर, मुश्किल ये है कि काम बहुत है और वक्त थोड़ा। ये बताओ, तुमने बहुत जगह काम किया है, किसी पॉलिटिशियन के यहाँ भी खाना पकाया है? क्यों, कोई इलेक्शन के तोड़ जोड़ सीखना चाहती है? नहीं छोटू। तो फिर आपने ये पॉलिटिशियन का क्यों पूछा? इसलिए कि शायद मुझे मंगेतर से पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता बता सको। मिस प्रोफेसर, क्या आप सीरियस हैं? हाँ छोटू। अरे तो आपने मुझे कोई बड़ा काम बताया होता, छोटू के लिए तो ये बहुत छोटा काम है। तो फिर मेरा ये काम कर दो छोटू। आपका काम 101% हो जाएगा मिस प्रोफेसर, लेकिन एक काम आपको मेरा भी करना पड़ेगा। तुम काम बताओ, उससे पीछा छुड़ाने के लिए मैं जहन्नम तक चली जाऊंगी, बताओ छोटू। मिस प्रोफेसर, वो खैर जाने दीजिए, शायद आप ना कर सकें। तुम बताओ तो सही। बात यह है मिस प्रोफेसर कि वो रहने दीजिए। छोटू, तुम्हें बताना होगा। मिस प्रोफेसर, दरअसल दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने एक अदद शादी कर ली थी। कैसे? वो बहू आप जैसी एक लड़की से। फिर मैंने उसकी तस्वीर अपने बाप को भेज दी, अब वो अपनी बहू को देखने यहाँ आ रहा है। तो दिखा दो उसे। कहाँ से दिखाऊं मिस प्रोफेसर, यही तो रोना है। मेरी बीवी मेरा घर छोड़कर मेरी जिंदगी से जा चुकी है। मिस प्रोफेसर, मेरा बाप दिल का मरीज है, अगर उसे मालूम हुआ कि उसकी बहू इस घर में नहीं है तो ये सदमा उसकी जान भी ले सकता है। मिस प्रोफेसर, बचपन ही में मेरी माँ मर गई थी और बाप ने मुझे माँ बनकर पाला है। मिस प्रोफेसर, अगर कुछ मेरे बाप को हो गया तो मेरी दुनिया अंधेर हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। मिस प्रोफेसर, अगर आप थोड़ी देर के लिए मेरे बाप की बहू, देखिए मैं इस इंसान के बदले आपका काम कर दूंगा और आपके मंगेतर से आपका पीछा छुड़ा दूंगा। क्या पकते हो? मैं पकता नहीं मिस प्रोफेसर, इंसानियत के नाम पर आपसे अपील कर रहा हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गए? इस दुनिया में तुम्हें ऐसी लड़की कौन मिलेगी जो बिन रिश्ते बिन नाते बहू बनकर तुम्हारे बाप के सामने चली जाए? ऐसा होता तो नहीं मिस प्रोफेसर, लेकिन ऐसा होना कोई नामुमकिन बात तो नहीं है। इतना बड़ा रिस्क? रिस्क और कुर्बानी के बगैर इस दुनिया में कोई किसी के काम नहीं आ सकता। मैं ये कुर्बानी नहीं दे सकती। मैं जानता था कि आपका जवाब यही होगा, इसलिए कि आप अमीर हैं और अमीर सिर्फ अपने दर्द को दर्द समझता है, किसी गरीब की मजबूरी को मजबूरी नहीं। मैंने आपको खुलूस, हमदर्दी और इंसानियत का मुजस्मा बनाकर आपकी पूजा की थी, लेकिन अगर आप किसी इंसान के काम नहीं आ सकते तो लौटा दीजिए अकीदत के मेरे फूलों को और जाइए कर लीजिए शादी अपने मंगेतर से।
थैंक यू मिस प्रोफेसर। छोटू। यस मिस प्रोफेसर। अगर इंसानियत के नाम पे तुम्हारा काम कर दूं, तो इस बात की क्या जमानत है कि मेरी? मैं कसम खाता हूं कि आपकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन आप भी एक वादा कीजिए कि आपको जिन हालात से भी गुजरना पड़े, आप चौंक चौंक कर मेरे बने बनाए खेल को नहीं बिगाड़ेंगी और मेरे बाप को कभी ये शक नहीं होने देंगी कि आप गैर हैं, उसकी बहू नहीं। कसम ईमान की, मंगेतर तो मंगेतर, मैं उसके खानदान से आपका पीछा छुड़ा दूंगा। तो ठीक है, जाओ, तुम्हारा बात सुनता रहेगा। तो क्या? हाँ छोटू। मिस प्रोफेसर। छोटू। आई एम सॉरी मिस प्रोफेसर, मैं जज्बात में बह गया था। गरम है। आगे बरखुरदार, सारा तारीख याद है? अरे ठहरो यार, पतलून तो पहन लेने दो। अपनी बीवी को साथ लाए हो या नहीं? क्यों दरवाजा तोड़े दे रहे हो? आहिस्ता। बुरी पतलून गिर जाएगी। बंद कर दे। तुम्हें हमारे बेटे के दोस्त हो? जी नहीं। जी हाँ। इतने घबराए हुए क्यों हो? बस ये हमारी खानदानी बीमारी है, हम लोग बड़ों की बड़ी इज्जत करते हैं, बुजुर्गों के सामने तो हमारी सूसू निकल जाती है। नदीम कहाँ है? जी वो जरा मीना बाजार तक गया है। तुमने कराई है ये शादी? जी कौन सी शादी? जी हमारे बेटे की शादी। क्या उसकी शादी हो गई? हो गई? तुमने हमें खत नहीं लिखा था? सर आप प्यार से पूछिए, मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ा जा रहा है। तुम शादी में शरीक थे, तुमने कराई है? अरे साहब, मैंने उसे बहुत समझाया, बहुत मना किया, मगर उसने मेरी एक ना मानी। कब हुई है ये शादी? अगर आप मुझे थोड़ा वक्त दें तो मैं डायरी से चेक। अंदाजे से बताओ। अच्छा जी, यही कोई 6-7 दिन कम 1 साल हुआ है जी। जब ही बार बार उसकी जेब कटती। कब आएगा नदीम? जमशेद। ओ जमशेद। जमशेद तो का के लिए मेरी तो जान बचा। क्या हुआ यार? वो आ गए। कौन आए? वो आ गए। अब्बा हुजूर। ये मेरा अब्बा हुजूर। आदाब अब्बा हुजूर। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तुमने कहीं बावर्ची गिरी का काम शुरू किया है? जी जी अब्बा हुजूर, वो कॉलेज में फैंसी ड्रेस का फंक्शन था इसलिए मैं। यही वो लड़की है जिससे तुमने शादी की है? जी हाँ। तुम जाओ, हम इससे तन्हाई में कुछ बातें करना चाहते हैं। अब्बा हुजूर, आपको जो कुछ पूछना है मेरे सामने पूछ। जाओ। जी अच्छा। लड़की, हमने 20 साल अपने बेटे को मां बनकर पाला है। हमारी ख्वाहिश थी कि कोई हमारे बेटे का पैगाम लेकर हमारे घर आए, हम हां कहें और अपने बेटे के सर पर सेहरा बांधकर उसकी बारात लेकर दुल्हन को घर लेकर आए। लेकिन तुमने हमारी खुशियों पर पानी फेर दिया। घूंघट उठाओ, हम वो चेहरा देखना चाहते हैं जिस पर हमारे बेटे ने हमारी खुशियों को कुर्बान कर दिया। उठाओ घूंघट। हमें तुम्हारी दुल्हन पसंद है, हम अभी और इसी वक्त इसे घर ले। जाने का वक्त हो रहा है, अंदर क्या कर रहे हो? Thank you.
सलाम मुंशी जी। सलाम। आ बेटी। सरकार, इस हवेली में हर शादी क्या इसी तरह होगी? दो घंट किया और बहू के लेकर चले आए, नहीं तो लाना पैगाम। बड़ी तमन्ना थी छोटे सरकार की शादी बड़े धूमधाम से करेंगे, बस हसरती रही। जल्दी में क्या कर सकता हूँ, बस यही कुछ किया है। मुंशी जी, दिल वालों के फैसले यूं ही चुपचाप हो जाया करते। चलिए बहू को दुआएं दीजिए। जीती रहो बेटी, इस हवेली की जीनत बनकर हजारों साल जियो। नदीम, चलो बीवी को गोद में उठाओ। जी? मैंने कहा बहू को गोद में उठाओ। इस दहलीज से जो बहू गुजरी है वो दूल्हा की गोद में गुजरी है। हमारे आबाओ अजदाद इसे मर्द आदमी की शान समझते। मगर अबाओ, अगर मगर क्या करते हो? क्या हमारे खून की हिद्दत इतनी कम हो गई है कि तुम बहू का बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते? जी मैं उठाता हूँ। उठाओ, बिस्मिल्लाह कीजिए। मुंशी जी नए जवान हैं। सलाम करो बहू, ये तुम्हारी सास है। आदाब। जीती बहू, सलमा ने जाने में बहुत जल्दी की। अगर तुम उसकी जिंदगी में आती तो आज इस घर में खुशियां मनाने का कुछ और ही अंदाज होता। अब ये तुम्हारा कमरा है, हम तुम दोनों को यहाँ छोड़ के जा रहे हैं और बहुत जल्द हमें यहाँ से तीसरे के रोने की आवाज आनी चाहिए। गुड नाइट। सुना तुमने क्या कहा तुम्हारे अब्बा ने? नहीं तो मैंने तो कुछ नहीं सुना। उनसे कहो अपने अल्फाज वापस लें, ये मेरी इज्जत। मेरी तरफ से आपकी इज्जत को कोई खतरा नहीं। कोई खतरा नहीं तो फिर ये तेज क्यों सजाई थे? इतना बात बावर्ची बनकर हमारे घर में घुसे और एक जिम्मेदार के बेटे निकले, मेरी मजबूरी का सौदा करके 5 मिनट के लिए बाप के सामने लाने की बात की तो उन्होंने साथ लाने का ऐलान कर दिया। मैंने इनकार करना चाहा तो तुमने हाथ पांव जोड़कर चंद घंटों के लिए मना लिया। देखिए, आपने मेरी बात रखने का वादा किया था। ये वादा तो नहीं किया था कि खिलौना बनाकर मुझे गोद में उठाया जाए, साथ से मिलवाया जाए, स्टेज पर सुलाया जाए और तुम्हारे अब्बा के एक घंटे आवाज तीसरे घर होने की आवाज। अरे अरे, आप रोती क्यों हैं? इस घर में रोने की आवाज पंजू के कहने से नहीं, आपकी मर्जी से आएगी। क्या कहा? गलत कहा। मैं उसे साफ साफ कह देती हूँ, मैं उनकी बहू नहीं, न तुमसे मेरी मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहती। मैं अभी उनसे बात करके इस वक्त घर जाऊंगी। अमर, हमारे बेटे को तन्हा क्यों छोड़े? जी वो समझा, वायलिन से निकले हुए सुर परेशान कर दिया। बहू, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिनका सुर छिड़ने से बीते दिनों का एक एक लम्हा जिंदा होकर आंखों के सामने आ जाता है। ये गीत तुम्हारी सास और
हमारी सलमा को बेहद पसंद था। बहू, सलमा के जाने के बाद ये घर सूना हो गया था। बेटा हमसे दूर रहता था, बस हम थे और एक जानलेवा तन्हाई थी। लेकिन तुमने इस घर के घुटे हुए माहौल में आकर हवा के ताजा झोंके का एहसास दिलाया है। हम एक बार फिर जी उठे हैं। अब हमें छोड़ के मत जाना। अब अगर तुम दोनों नजरों से दूर हुए तो हम जी नहीं सकेंगे, मर जाएंगे। तकदीर ने मुझे किस उलझन में डाल दिया है। आज नहीं तो कल मुझे जाना ही पड़ेगा। जब तुम्हारे बाप को पता चलेगा तुम्हारी बीवी मर चुकी है या तुम्हें छोड़कर जा चुकी है तो मैं कसम खाकर कहता हूँ, जिस तरह आप कुंवारी बीवी हैं उसी तरह मैं भी कुंवारा शौहर। क्या मतलब? मैं आपको बताता हूँ, ये एक बहुत ही दर्द भरी दास्तान है जिसे सुनकर आपका दिल भी इन मोमबत्तियों की तरह पिघल पिघल जाएगा। आज से 12 दिन 10 घंटे 35 मिनट और 47 सेकंड पहले एक भयानक रात। कसूर आपका है न खता मेरी, ये सारा किया धरा मेरे दोस्त का है। उसने इतनी गिरी हुई हरकत की और तुम इसे दोस्त कहते हो? मर्दों के बुरे दोस्त तो बीवियों को नापसंद होते हैं, लेकिन आप मेरी बीवी तो नहीं। सुनिए, यहाँ आकर आपको थोड़ी सी तकलीफ जरूर हुई है, लेकिन आपका आपके मंगेतर से पीछा जरूर छूट जाएगा। पीछा छूट जाएगा? आप बड़ी भोली हैं, मर्द की फितरत को नहीं जानती। औरत अगर रात मस्जिद में भी गुजार कर घर वापस जाए तो मर्द उसकी पाक दामनी पर कभी यकीन नहीं करता। इस घर का माहौल, मेरे बाप की सूरत, मेरी माँ का चेहरा देखने के बाद अगर आपका दिल गवाही देता है कि इस घर में थोड़ी सी शराफत रहती है तो अपने मंगेतर से बचने के लिए 2-4 दिन यहाँ बड़े सुकून से रह सकती हैं। इसी बहाने कुछ साथ भी रहेगा। ये भी कैसा साथ? 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसके बाद आपकी जाने की घड़ी आ जाएगी। आपको तो शायद न कभी भूले से भी याद ना हो, लेकिन मुझे आप बरसों याद आएंगे। आप यहां सो जाए, मैं बाथरूम में सो जाऊं। बाथरूम मुझे वैसे नींद में चलने की आदत तो नहीं है, फिर भी इस दरवाजे को अंदर से बंद कर दीजिए। शब खैर। पुलिस में रिपोर्ट की तो खबर अखबार में आ जाएगी और उस खबर के तराशे को मैं अपनी सफेद पोशी में चिपकाकर घर से कैसे निकलूंगा। मुझे भरोसा है कि वो मेरे एतमाद को धोखा नहीं देगी। यही तुम्हारी खुशफहमी है, तुम्हारे जैसे बाबों की बेटियां खाक उड़ाकर जाती हैं और वापस नहीं आती। बेगम, उस बदनसीब को तुमने जन्म नहीं दिया, तुम्हें उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अरे जन्म नहीं दिया यही तो रोना है, अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसके टांगे तोड़ के रख देती। स्टॉप, स्टॉप दिस सिविल वॉर। इस सिविल वॉर से कोई फायदा नहीं होगा। आप भी उसे ढूंढने की कोशिश करें, मैं भी ट्राई करता हूँ। वो जहाँ कहीं भी है मैं उसे चैन से नहीं बैठने दूंगा। रातों को करवट बदलते हैं हम, शम्मा की मानिंद जलते हैं हम। तुम ही बताओ कि हम क्या करें,
चारों तरफ देखते हैं तुम्हें, इसमें खता क्या हमारी है, हर शय में सूरत तुम्हारी है। आपको भी नहीं आई और सो मैं भी नहीं सका, दोनों तरफ है आग बराबर लगी है। ओह यू ब्लडी ब्रदर कुक, तुम हमारा नींद खराब करके इधर हमारा लव के साथ लव मेकिंग करता है, हम तुमको जान से मार देगा। आई किल यू। नहाना है मुझे। आप नहा ले, मैं सोता रहा हूं। शट अप, यहां से बाहर जाओ। चला जाता हूं। देखिए अब क्या है, ये बाथरूम तो मर्दाना है, अगर आपको अगर आपको कोई जनाना टाइप की कोई चीज की जरूरत हो तो मैं। जी नहीं। मारी सुहागरा मरवा दिया तुम्हें, लोग सुबह सुबह टपने जाते हैं, उन्हें रात ही को मुझे टपने पहुंचा दिया। अपनी सलमा का गहना तुम्हारे तन पर सजाकर इस घर की इज्जत का मकाम और मर्तबा हमने तुम्हें अदा कर दिया है। ये लो इस घर की चाबी। जी ये तुम्हें हम दे रहे हैं। जी मैं इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा बोझ उठाते हुए घबरा रही हूं। अब रात को दिन कहो या दिन को रात, आज के बाद से इस घर में सुबह तुम्हारे इशारे से कुल्लू होगी और रात तुम्हारे कहने पर आएगी। क्या बातें हुई अबाउज से, क्या पूछा हूं? तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में। आपने क्या कहा? इतने अजीम इंसान के सामने मैं झूठ ना बोल सकती। आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? आप अब्बा हुजूर की हालत देख चुकी हैं,
आप इतनी संगल भी नहीं कि सच बोलकर उनकी जान दे सके। आखिर ये बात कब तक छुपी रहेगी? जब तक हमारी जिंदगी है। सिर्फ एक वादा कीजिए, ये रिश्ता जिसका अभी तक कोई नाम नहीं है, इसे आप तोड़ कर नहीं जाएंगे। हाँ, चली गई तो आप किसे परेशान देकर खुश होंगे, यही ना? नहीं, दरअसल मैं आपसे मोहब्बत करने लगा। कब से? उसी दिन से जिस दिन इन आंखों ने आपको पहली बार देखा। मोहब्बत के ये मुकालमे तुम्हें बाद में याद आए, भूल रहे थे। तुम मुझे यहाँ अपने दोस्त का झूठ छुपाने के लिए लाए। लेकिन अब अंबर मैंने अपनी जिंदगी का नाम रख दिया। मैं कैसे मानूं? सुनना चाहती हैं? झूठ के सहारे जिंदगी गुजारने वाला सबूत भी क्या देगा? मेरे साथ आई उस चोटी को देख रही हैं आप? उस चोटी पर प्यार करने वाले शगुन लेने जाते हैं, इस इलाके में मशहूर है। अगर इस दुनिया में उनका मिलाप नामुमकिन हो तो उनमें से एक वापस नहीं आता। अगर इस दुनिया में आप मेरे लिए पैदा हुई हैं तो मैं वहां से फूल तोड़कर आपके बालों में सजा दूंगा, और अगर नहीं तो जिंदा वापस नहीं आऊंगा। अलविदा। मोहब्बत की तोहीन है, मैं जा रहा हूं। रुक जाओ नदीम, मेरे प्यार की कसम। क्या कहा आपने? Thank you.
इठराती इठलाती ये गाती वादियाँ, जुल्फों की तरह ये बलखाती वादियाँ। गाय सारा समा कभी हो, कभी हो, कभी ना टूटे वफा की सरगम। मिले दो साथी खिली दो कलियां, चलो मैं आई। तुम उसको उधर रख दो, तुम इधर रख दो, तुम इधर रख दो। आहा, ये मैं क्या देख रहा हूँ? आज तो दुल्हन सही मैनों में इस घर की बहू लग रही है। आज खाना मैंने अपने हाथ से बनाया है मुंशी जी, जरा खाकर बताइएगा कैसा पका है। हाँ बेटे, जरूर खाएंगे, जरूर खाएंगे। और अब्बा हुजूर से भी कह दीजिए खाना लग गया है। सरकार अभी खाना नहीं खाएंगे। वाह, मैंने अपने हाथ जला लिए और वो भी खाना नहीं खाएंगे। जाइए उनसे कहिए अभी गरम गरम है, ठंडा खाना दोबारा गरम करने से वो मजा नहीं रहता। अच्छा मैं बुलाती हूँ। उनके कमरे में मत जा बहू। क्यों, क्या कर रहे हैं वो? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप कुछ छुपा रहे हैं। बताइए ना, आपको मेरी कसम। तुमने अपनी कसम दे दी है बेटी, तो सुनो, तनाही का बरसों साथ रहने से सरकार शराब के आदी हो गए। डॉक्टर ने कहा है शराब की एक बूंद किसी वक्त भी उनके लिए जहर का काम कर सकती है। अगर तुम उनका गिलास और बोतल से रिश्ता तोड़ सको तो ये तुम्हारा बड़ा एहसान होगा बेटी। कैसे आना हुआ? ऐसे ही आपको देखने चली आई। हाँ देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कमरे में स्मेल कैसी आ रही है? पता, मेरी तो सुबह से दांत बंद है, मेरे ख्याल से उसने फ्लिट मार दिया नौकर ने। वाह, आपका कमरा किसी ने साफ ही नहीं किया? नहीं साफ किया था, किया था, लेकिन गर्दा तो ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है। अरे तुम ये रहने दो बहू, रहने दो, रहने दो। किस नाम से पुकारती हैं आप मुझे? बहू। तो जो मैं कर रही हूँ ये मेरा फर्ज है। ओहो, तुम्हारा ये काम नहीं है, रहने दो। आपको उलझन क्यों हो रही है? उलझन नहीं हो रही, जाओ तुम, बहुत हो गई है। देखो देखो जाओ, तुम खाना खाओ, जाओ। शाबाश शाबाश। ये क्या है बहुजू? ये क्या है? अरे मुंशी जी, मुंशी जी। जी सरकार। मुंशी जी, ये बोतल यहाँ क्या क्या किसने रखी? सरकार ये बोतल तो हाँ, बोलो बोलो, सोच समझ के बोलो, बोलो। सरकार वो आपके दोस्त मिर्जा साहब आए थे ना, ये बोतल उनकी है। ओ बहू, मिर्जा साहब? लेकिन मिर्जा साहब को गए हुए तो बहुत दिन हो गए, ये बोतल यहाँ क्यों रखी है? गलती हो गई। क्या मकसद गलती हो गई? आपको मालूम नहीं है इस कमरे में हमारी बहू भी आ सकती है? कान खोल कर सुन लो, अब मिर्जा साहब आए तो उनसे कहो यहाँ ये पीना पिलाना नहीं चलेगा, ले जाओ इधर, फेंक दो, फेंक दो। सरकार फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो, बेहतर सरकार। हॉल बुलाओ,
इन कम वक्तों की लापरवाही की वजह से हमें शर्मिंदा हो। बोतल मिर्जा साहब भी लाए होंगे, लेकिन ये गिलास किसने बनाया? सच सच बताइए बहुजूर, आप पीते हैं? हाँ, कभी। बहुत अच्छी लगती है आपको? हाँ, सुकून मिलता है। तो आज मैं भी पीऊंगी, मुझे भी सुकून चाहिए। बहू, इस घर में हमारी नजरों के सामने हमारे खानदान की इज्जत शराब पिए, तुम्हें ये कहने की जरूरत कैसे हुई? तुम्हें ये ख्याल भी कैसे आया? घर की इज्जत के लिए जिसका ख्याल भी जहन में लाना गुना है, वो आपके छूने से, आपके पीने से नेकी कैसे बन जाती है? आपको सुकून कैसे मिलता है? ये आपकी दुश्मन है अब्बा हुजूर, और मेरे होते हुए इस घर में आपका दुश्मन नहीं रह सकता। शराब इस घर में जिस जिस कोने में छुपी है निकाल कर फेंक दीजिए अब्बा हुजूर। आपको मेरे सर की कसम। जो चीज हमसे हमारी कुव्वत इरादी, डॉक्टरों का मशवरा, दुनिया की कोई ताकत नहीं छुड़ा सकी, वो तुम्हारे दुआसों ने छुड़ा दी। हम तुम्हारी जिंदगी भर एहसानमंद रहेंगे। अगर तुम इस घर में हमारी बहू बनकर आती तो हमें अपने बेटे की कसम, बड़े बदनसीब। बदनसीब तुम नहीं, मैं हूँ। माँ बाप ने तुमसे ब्याह के जिसकी मट्टी पलीद कर दी। घर से भागने का कहीं तुम्हारी पहली बीवता तो नहीं था? और पूछेंगे तो क्या बताऊंगी कि लड़की घर से भाग गई है? अरे मुझे जहर ला दो या तुम खुदकशी कर लो। खुदकुशी का कई बार इरादा किया बेगम, मगर क्या करूं, वो भी तो हराम है। बखत, अभी तेरी इस मुस्कुराहट को लगाती हूं आग। मुरादें मांगने वालों की झोलियां भरने वाले, तुम्हारे मदार पर रहती दुनिया तक चिराहों की बहार रहे। आज मैं तुम्हारी जात को अपने और अपने अल्लाह के दरमियान वसीला बनाकर अपना दामन फैलाए आया हूं, इसे पोते की दौलत से भर दो। एक पोता मेरी तमन्ना, यही मेरी आरजू, यही मेरा सवाल। आज एक दर पर नंगे पांव आया हूं, उसे गोद में लिए एक दिन इसी तरह तुम्हारे घर में चरागाह करने आऊंगा। आप यहाँ खड़ी खड़ी कोई गजल कह रही हैं या आजाद शायरी? आपकी आंखों में कोई गहरी सोच? हाँ, दो चार दिन से सोची आती हूँ, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। तो फिर दिखाइए हाथ, अभी मैं आपको सब कुछ समझा देता हूँ। तुम्हें हाथ दिखना आता है? अरे क्या नहीं आता, जन आपके घर काम कर चुका हूँ, आप तो जानती हैं मुझे बहुत कुछ आता है। कैरो की फॉर्मिस्ट्री, पैरों की फॉर्मिस्ट्री, हीरो की फॉर्मिस्ट्री, गरज के हर फॉर्मिस्ट्री पढ़ चुका हूँ, अभी बताता हूँ। जहल जहरा तारद मुश्तरी, काम से स्तरी, धूम पटाश कटाश कटाश, आपसे तो हो गया है क्या? प्रेम प्यार रोमांस लव प्यार प्यार चल, प्यार हो। पागल बेवकूफ इधर आ, आ गया ये प्यार व्यार, मेरे दिल में बार बार ये क्या होता है, मुझे समझा दे। मैं समझाता हूँ, दो दिल मिलते हैं
तो फूल खिलते हैं, तो फूल खिलते हैं, फिर दिल जोर शोर से धड़कता है। कुछ कुछ समझी तो हूँ, कहता नहीं था पहले कोई दिल में रहता नहीं था, अब कोई रहने लगा। मारे गए, ये क्या हुआ? दिल था तेरा मेरा हुआ, आएगा अब तो मजा। आके तो देखो नजरों से नजरें मिला के तो देखो, चल जाएगा सब पता। इतनी तो मैं पागल नहीं, मैं हूँ जमा तुम हो हसी, फिर क्यों रहे हम जुदा। पागल बेवकूफ इधर आ, आ गया ये प्यार व्यार मेरे दिल में बार बार, ये क्या होता है मुझे समझा दे। मैं समझाता हूँ, सूरत से लगते हो तुम पूरे जोकर, मुझसे मिलो अपने चेहरे को धोकर, आईना देखो जरा। चेहरा नहीं तुम मेरे दिल को देखो, कुछ मेरे बारे में फुर्सत से सोचो, लड़का नहीं मैं बुरा, अच्छाई भी कोई नहीं। अरे कर ले मेरे दिल का यकीन, ये तो तेरा हो गया। पागल बेवकूफ इधर आ, आ गया अब जा, जाऊं जाऊं जाऊं। बाबा जी के मजार पर जो पोते की दुआ मांगी वो सही है, उसके कबूल होने का वक्त आ गया। नहीं डैडी, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं, हम तुम्हारे बाप हैं या तुम हमारे बाप, क्या समझा रहा? चलो उसे उठाओ ले जाओ ऊपर। जी नहीं, मैं खुद ही चली जाती हूं। देखा तो शर्मा कर गई, तुम हमें समझाने के लिए आ गए, जाओ ऊपर जाओ। चलो मुंशी जी। जी सरकार। आप खड़े मुंह क्या देख रहे हैं? आपको मालूम नहीं ऐसे मौकों पर क्या करते हैं? जाओ जल्दी डॉक्टर को लेकर आओ। बेहतर सरकार, जल्दी। अंबर, जो भी होगा तुम संभालोगे, मैं बाहर नहीं आऊंगी। अंबर अंबर देखो ना, इंसान जब एक झूठ बोलता है तो झूठ को छुपाने के लिए वो ये नहीं सोचता है कि उसे कितने और झूठ बोलने पड़ेंगे। इस बात को किस तरह निभा दो वरना मैं बेमौत मारा जाऊंगा। अंबर प्लीज बाहर निकलिए, चलो प्लीज। आइए तशरीफ लाइए डॉक्टर। अरे मुंशी जी, तुमसे डॉक्टर को लाने को कहा था, ये किसके लिए? सरकार ये मैं आपको शक्ल से कंपाउंडर लिखता हूँ। ये डॉक्टर है? अपने डॉक्टर साहब चंदने के लिए बाहर गए हुए हैं, जल्दी में तो यही मिल सके, सुना है बहुत काबिल डॉक्टर है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो डॉक्टर, इस घर के दरों दीवार 20 बरस से बच्चे की आवाज सुनने के लिए तरस रहे। साइंस के इस दौर में भी हम दिल की गवाही को सच मानते हैं। हमारी पहली औलाद बेटा थी और हमारा दिल गवाही देता है कि हमारे बेटे के यहां भी बेटा हो। आप हमारी बहू को देखकर हमें सही वक्त दिन और महीना बताइए, लेकिन याद रखो अगर तुमने हमें गलत इत्तला दी तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। नहीं, 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 वो मरीजा कहाँ है? मुंशी इन्हें ऊपर ले जाओ। आइए डॉक्टर साहब। चलो मुंशी चलो जाइए।
याना किसी मुसीबत में झांस करते, अब क्या होगा? देखो ना, जो होना है वो तो होकर रहेगा। तुम ऐसा करो प्लीज ले। मैं डॉक्टर हूँ। मैं जानता। यू नो ये आप दोनों में परमानेंट मेरे मतलब है असली जचा कौन है? जी वो ये है। ये है जच्चा कहाँ है? यही है। जच्चा कहाँ है? यही है, यही है, यही है। जी। तो फिर बच्चा किसको होने वाला है? बच्चा इन्हीं को होने वाला है। जबान जबान और और इसे फीस पर समझना, ये तुम्हारा नजराना है। हमें पोते की खुशखबरी सुनाओ। हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। बताओ हमारा पोता कब और किस वक्त आएगा? आप जरा सब्र करके मेरी बात सुनिए। आपके घर पोता नहीं बल्कि दो पोते आएंगे। जी बाय गॉड। जी जी। अरे अंबर, हम लोग तो बिल मारे गए। क्या हुआ? अरे उस उल्लू के पट्टे डॉक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए अब्बा हुजूर से कह दिया कि एक नहीं दो पोते आएंगे। दो? यस दो। टू। अब्बा हुजूर नहीं नहीं नहीं, हम इस हालत में बहू के पास नहीं आ सकते। देखो हम तुम्हें मुबारकबाद देने आए, तुम दो बच्चों के बाप बनने वाले हो। देखो जाओ बहू का ख्याल है। जी जाओ जाओ जाओ। नदीम देखो बहू को कोई भारी चीज मत उठाने देना। अच्छा उसके खाने का ख्याल रखना और उस अमूट भी खराब ना हो क्योंकि आने वालों की सेहत पर उसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। हम तुम्हें ये बातें इस बात की बता रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ पहली औलाद होने वाली है। बहू का ख्याल रखो। जाओ 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 जाओ। नदीम आई एम सॉरी, हम बार बार तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं लेकिन ये आखिरी बार है। बहू से कहना कि रज की जो है वो घर ही में होगी, हम किसी क्लिनिक में नहीं जाएंगे। जाओ बहू का ख्याल रखो। जाओ जाओ। अब्बा हुजूर तो ये दो पोतों की झूठी खबर सुन के पागल हो जाए। अब हमारी सादत मंदी इसमें है कि अगर दो ना हो सके तो कम से कम एक पोता उनकी गोद में जरूर दे देना चाहिए। क्या ख्याल है? घबराओ नहीं, शादी के बाद। शादी? हम दोनों छुपकर शादी कर लेते। मगर ये भी कैसी शादी होगी? ना मेरे हाथ में मेहंदी रचेगी, ना मेरे अब्बू दो आंसू बहाकर मुझे रुखसत करेंगे जब वो सुनेंगे। मैं जानता हूँ उन्हें दुख होगा। यही ना, देखो ना, एक पोता मेरे अबू के गोद में देकर उनका मुंह और दूसरा पोता, माफ करना, दूसरा नवासा तुम्हारे अबू के गोद में देकर उनका मुंह बंद। वालदैन है, माफ कर ही देंगे। क्या ख्याल है? कबूल? कबूल 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 कबूल। अब जाता हूं साले के पास जो हम दोनों को फंसा कर न जाने खुद क्या कर रहा है। जमशेद या तुम मारे गए? अंदर तो आओ। जी इस वक्त मैं फिर कहूँ। हाँ, मैंने तुम्हारी सारी राम कहानी सुन ली है। जिससे तुम मिलने आए हो ना वो भी यहीं है। बैठो 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 बैठो। देखिए मैं बैठो तो सही। जमशेद मियाँ, देखो भाई कौन आया है। मैं आपकी भतीजी के सर में से जुए निकाल रहा हूँ सुसर जी। अरे भाई जुए निकालो चाहे लीखे निकालो मगर देखो तो सही बाहर कौन आया।
क्या मुसीबत है यार। अरे मेरा दोस्त नदीम वहां जाते ही हमें भूल गए। कैसे आए? मैं तुमसे अंकल जरा तखलिया तखलिया। ये क्या चक्कर है भाई? ये पैसे से? ये वही पैसे हैं जो तुम छोड़ कर गए थे। तुम्हारे जाने के बाद वो बुड्ढा तुम्हें ढूंढता हुआ मेरे पास आया। मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया। 2000 रुपए महीने पे अंकल की रोजी को बतौर बीवी के मैंने अपने घर में रख लिया है। यानी तुम्हारी बला अपने सर ले ली। 2000 रुपए महीने की किस्त तो मैं दे चुका हूँ। आइंदा तुम्हारी एड की जरूरत पड़ती रहेगी। क्या मतलब? बस मतलब सीधा साधा है। तुम सुनाओ तुम्हारा क्या हाल है? मेरा हाल बहुत अच्छा है। तुम्हारे झूठ के फंदे में अभी तक लटका हुआ हूँ और उधर अब्बा जान कहते हैं मुझे पोता चाहिए। तो भाई कोशिश करो वरना 2-4 पोते यहाँ से ले जाना। अबे शादी तो अभी तक हुई नहीं, मैं पोता कहाँ से लेकर आ जाऊँ? शादी नहीं हुई, बहुत ही सिलो आदमी हो भाई तुम तो। बहरहाल लड़की को किसी दिन यहाँ ले आना, शादी का मुकद्दस फरीजा भी अदा हो जाएगा और उसके बाद अखबार में फोटो छप जाएंगे। उधर फोटो अखबार में छपे और इधर सबकी जबाने बंद। हमारी अकलौती बेटी अंबर आज 3 दिन हुए घर से निकली, वापस नहीं आई। अगर किसी साहब औलाद ने उसे कहीं देखा हो या उसके बारे में कुछ जानता हो तो मंदरजा ज़ैल पते पर इत्तला दे। लड़की के इज्जतदार बाप को दिल के दौरे पड़े। प्रोफेसर जाकिर अली 270A न्यू मुस्लिम टाउन लाहौर। तुम्हारी हमारे बेटे के साथ शादी हो चुकी है। से तुम हमारे पोते की मां बनने वाली हो। इस घर में सलमा की वफा के चराग जलते रहे, उसी घर में तुमने हमारे नाखलक बेटे के साथ मिलकर औरत की वफा और उसकी पाकीजगी की धज्जियां रखी। कैसी बदनसीबी है कि सलमा का गहना तुम्हारे नापाक वजूद पर सजाकर हम तुम्हें बहू कहकर पुकारते रहे। तुमने हमें किस जुर्म की सजा दी? जो कयामत तुमने तोड़ी है उसके लिए तुमने हमारे दिल का इंतखाब क्यों किया? जब क्यों हो? बोलो जवाब दो। मेरा जनाजा उठने में अभी कुछ दिन बाकी है, तुम इतनी जल्दी कैसे चली आई? अबू मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। माफी किसी जुर्म के इतराफ की है तो जाओ, इज्जत और जिल्लत के परवाने बांटने वाले समाज के पास जाओ और उनसे पूछो कि जवान बेटियां घर से बाहर रातें गुजार रहे हैं तो उन्हें बाप के घर में पनाह मिल सकती है। वो नवाब अली अर्जन का बेटा नदीम था। मैं उसके बीमार बाप की जिंदगी बचाने गई थी। अगर आपको अपने खून पर भरोसा है तो मैं आपके आंसुओं की तरह पाक हूं, आपके दिल की तरह साफ हूं। अंबर, अंबर। Thank you.
मुंशी जी? बहू बेगम चली गई। और डैडी कहाँ है? अपने कमरे में, सुबह से शराब पी रहे हैं। छोटे सरकार, इस वक्त आप उनके कमरे में जाएं तो बेहतर। चला जाए यहां से, कुछ कह भी तेरे जिस्म से हमें किसी अपने की खुशबू आती है, तेरी सूरत देखकर हमें किसी बिछड़े हुए रिश्ते की याद सताती है। चला जाना दी। वो लड़की जिन हालात में यहाँ आई थी डैडी, उन हालात का तकाजा यही था। मैंने उस लड़की की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दी डैडी। वो लड़की मेरी मोहब्बत है। मोहब्बत? मोहब्बत करना तू नहीं जानता डैडी। तू जिसे मोहब्बत कहता है वो किसी बाप की इज्जत को भगा कर उसे दिल का दर्द बख्शती। किसी बाप को बहू का यकीन दिलाकर उसे हर खुशी से महरूम करती है। अगर आप ठंडे दिल से सोचें तो मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं बेकसूर हूं। कसूर वह हम है जिसने तुझे पाला पोसा जवान किया, तेरे हर फरेब को खुशी का नाम दिया, लेकिन तूने तूने बाप की मोहब्बत को आंसुओं की नजर कर दिया। हम तुझे सिर्फ उस वक्त नजर आए, सिर्फ उस वक्त याद आए नदीम, जब तुझे पैसे की जरूरत थी। तूने बाप के दिल को दिल नहीं एक तिजोरी समझा। लेकिन याद रखो, हमारे पास दौलत बहुत है नदीम, तेरे बहाने खत्म हो जाएंगे, हमारा पैसा खत्म नहीं होगा। तुझे तुझे पैसा चाहिए, तुझे दौलत चाहिए, बाप की खुशी नहीं चाहिए। तेरा दौलत, तेरा दौलत, जाओ जाओ नदी। शायद इस वक्त मैं आपको कायल न कर सकूं अब्बा जान, लेकिन मैं इस यकीन के साथ जा रहा हूं कि एक न एक दिन अंबर इस घर में जरूर आएगी, और अगर मैं आपको उसे अपनी बहू कहने पर मजबूर न कर सका तो आपको अपनी सूरत भी नहीं दिखाऊंगा। किससे मिलने आए? अंबर से मिलने आए। अंबर से? यू नो शी इज माई प्रॉपर्टी। वो मिलियत है, वो मेरी मोहब्बत है। हर दीवार गिराते चले आ रहे हो, क्या शराफत की यह दीवार भी गिरा दोगे? हमेशा के लिए दूर चली जाती।
मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता अंबर। लेकिन ये गैर लड़की के कमरे में नहीं अंबर, जिसकी मुट्ठी में इंसान की सांसें हो, जिसका नाम लेने से दिल धड़कता हो, वो गैर नहीं हुआ करता। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, अब तो मेरी शादी होने वाली है। क्या तुम राजी हो? मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। डोली में बैठकर मेरे जनाजे के पास से कैसे गुजरोगी? तुम्हारा दिल नहीं फट जाएगा? अपने घूंघट पर मेरे अरमानों का खून लेकर अपने शौहर के सामने कैसे जाओगी? बताओ अंबर, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? नहीं, नहीं। तो फिर ठुकरा दो उन रस्मों को जो मोहब्बत को जिंदा दीवार में चुनवाकर इश्क मर मर के जीने पर मजबूर करती है। चीख चीख कर कह दो दुनिया से कि तुम रिवाजों के सामने चट्टान बनकर खड़ी हो जाओगी, लेकिन मोहब्बत का मुकद्दर फूटने नहीं दोगी। मैं तुम्हारी खातिर जितनी जिल्लत बर्दाश्त कर सकती थी कर चुकी हूँ। अब तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो जाओ, अपने अब्बा हुजूर से कहो इस घर में आकर फिर मुझे बहू कहकर आवाज दे, मैं हर बंधन तोड़ दूंगी। ऐसा नहीं कर सकते तो मोहब्बत का नाम मत लो, मुझे इस आग में जल जाने दो, जल जाने दो, जल जाने दो। तेरे हर फरेब को खुशी का नाम दिया, लेकिन तूने तूने बाप की मोहब्बत को आंसुओं की नजर किया। अब तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो जाओ, अपने अब्बा हुजूर से कहो इस घर में आकर फिर मुझे बहू कहकर आवाज दे, मैं हर बंधन तोड़ दूंगी। हेलो जी, मैं उसी नंबर से बोल रहा हूँ जी, फरमाइए। क्या कहा? छोटे सरकार का एक्सीडेंट हो गया? एक्सीडेंट नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें फौरन अस्पताल जाना चाहिए सरकार। अस्पताल? नहीं नहीं, मुंशी डॉक्टर को फोन करो, मालूम कर लो कि पैसों की जरूरत हो तो भेज दो। नहीं सरकार, छोटे सरकार को पैसों की नहीं आपकी मोहब्बत की जरूरत है। मुंशी जी, उसे दी जाने वाली मोहब्बत की सजा हमें पहले कम मिली है। वो जवान हुआ तो हमारे दिल के टुकड़े कर कर चला गया, उसकी चाहत को हमने अपनी इज्जत बनाया तो वो हमारे सर पर खाक डालकर चली गई। मेरा दिल गवाही दे रहा है सरकार, छोटे सरकार वैसे नहीं है जैसे आपने सोच लिया है। तुम हमें बेवकूफ समझते हो, तुम समझते हो तुम्हारे पास हमसे ज्यादा सोचने समझने की सलाहियत है। यह बात कहने की मैं जुरत तो नहीं कर सकता सरकार, लेकिन इतना जरूर कहूंगा इस वक्त आप होश में नहीं। बेटे की बुरी खबर सुनकर अगर आप अपने दिल की तड़प छुपा सकते हैं तो अपनी आन, अपने असूल और अपनी जिद को लेकर बैठे रहिए घर में। ओ बेगम की आखिरी निशानी को देखने के लिए मैं जाता हूं। ठहर जाओ मुंशी, तुम ये साबित करना चाहते हो कि पालने वाले के दिल में बाप के सीने से ज्यादा दर्द होता है? जाओ गाड़ी निकालो, हम अभी और इसी वक्त अस्पताल जाएंगे। आदेश है सरकार। आदेश है सरकार। छोटे सरकार, मेरे बच्चे क्या हो गया तुम्हें? बोलो बेटा, बोलो, अपने बाप से क्या कहना चाहते हो? बोलो बेटा। ये कई बार एक ही नाम ले चुका है नवाब साहब। तुम? अजीब इत्तेफाक है, इसने मेरे ही हाथों में जन्म लिया और आज जख्म लेकर मेरे पास चलाया। डॉक्टर, हम तुम्हें इसी नाते का वास्ता देते हैं, हमारे बच्चे को ठीक कर दो। ये अंबर कौन है? जैसे भी हो सके उसे ले आइए नवाब साहब। कोई और दवा तजवीज करो डॉक्टर। वो आपके बेटे की जिंदगी है। वो बदनामी करता। मैं डॉक्टर की हैसियत से आपको मशवरा देती। डॉक्टर, हम अपने उसूलों को सामने रखकर इनकार करते। सरकार, सरकार मेरी बात तो सुनिए सरकार। क्या है? ये डायरी है, पढ़ लीजिए। Thank you.
मतलब है वो दोनों मासूम हैं और हमारा दिल जलाने वाले बस तुम हो। मेरी सजा मुलतवी करके पहली फुर्सत में अंबर को बहू कहकर मेरे दोस्त की जान बचा लें, वरना ये जालिम समाज आज उसके हाथों में 2 टके की मेहंदी रचाकर उसे किसी गैर की बहू बना देगा। अंबर हमारी बहू है, अगर किसी और ने उसे बहू कहकर पुकारा तो हम उसकी जबान खींच लेंगे। बहू! कौन बहू? किसकी बहू? हमारी बहू। बहू! बहू? हमारी बेटी को बहू कहने वाले आप कौन हैं? हम नवाब अली यारजंग। चलो, तुम्हारी हकीकत बताने की कोशिश में हमारा बेटा नदीम जिंदगी और मौत की कश्मकश में जा पड़ा है। चलो चलकर उसे बचा लो। क्या आपके बेटे के साथ जिसकी शादी हो चुकी है? ये मेरे बेटे की मोहब्बत है, मोहब्बत जो खुदा है, इंसानियत है, हुस्न है, जिंदगी है। इसके चेहरे की तरफ देखो, इन आंसुओं पर गौर करो और मुझे बताओ कि इसे दुल्हन बनाकर तुमने इस पर जुल्म किया है या इंसाफ? शादी की इस महफिल में मोहब्बत का नाम लेकर हमारी इज्जत खाक में मिलाना चाहते हो? नहीं, हम इस मोहब्बत को सुर्ख रूह करना चाहते हैं। तुम लोग जहेज को शादी का बदल समझकर जो शादी कर रहे हो वो शादी नहीं, सती की रस्म है। गलत ख्वाहिशात की करबला में इंसानियत का कत्ल है। इनके साथ चले जाओ बेटी। आप पागल तो नहीं हो गए? होश में आप आया हूं बेगम। मैं कहती हूं खामोश। खबरदार, जो आइंदा शहर के सामने जबान खोली। बेटी का बाप मैं हूं, तकदीर का फैसला मैं करूंगा। अंबर यहां से जिंदा नहीं जाएगी। अबू, इसे पुलिस के हवाले कर दो। ये मेरा भांजा नहीं, कातिल है। इसने मेरे सुहाग पर गोली चलाई है। प्लीज आंटी, प्लीज। प्रोफेसर साहब। प्रोफेसर, आप बहू को ले जाकर अपने बेटे की जिंदगी बचा लीजिए। नवाब साहब, मुझे मेरी बीवी की हमदर्दी मिल गई है, ये मुझे बचा लेगी। जाओ बेटी। नदीम, तुमने मुझे पाने के लिए जान की बाजी लगा दी। मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी अंबर हूँ। नदीम, हमने इसे बहुत तस्लीम कर लिया है बेटे। नदीम, बोलो नदीम। देखो, मैं सारी दुनिया को छोड़कर तुम्हारे पास आ गई। बोलो नदीम। सुनो नदीम, अगर तुमने मुझसे मुंह मोड़कर मौत से नाता जोड़ दिया तो तुमसे पहले मैं मरूंगी। पागल बनो, पर ये क्या करती हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बिल्कुल ठीक हो? मुंशी जी, इसने हमारे जज्बात से खेलने की फिर कोशिश की है। हम ये गुस्ताखी कभी माफ नहीं करेंगे। छोटे सा अब्बा हुजूर, अब्बा जान, अब्बा हुजूर सुनिए। जब आपने अंबर को अपनी बहू मान ली है तो उसकी दुकान मैंने भी माफ कर दी है। मैं आपसे बिल्कुल ठीक हूँ। अब्बा हुजूर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज अब्बा हुजूर।